खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और यूएफटी न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। कासगंज पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। एक दिन पूर्व हुए हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आपको बता दें, कासगंज में चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस कप्तान सुशील घुले ने इसे ऐसी चुनौती के रूप में लेते हुए टीम गठित की, जिसके चलते हत्यारोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। शाम को सूचना मिली थी कि किसी झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिसमें चाकू से उसके वार किए गए और जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में घर वालों ने जो तहरीर दी है उसमें 7 लोगों को नामजद किया है और ये बताया है कि इनसे उनका पूरा विवाद भी है। एक जो दोनों वहाँ पे भैंसों का वो चलाते हैं, दूध का काम करते हैं, तो वहाँ पे उनका विवाद पहले से चल रहा था। एक ही गाड़ी को वो इस्तेमाल करते हैं, उस गाड़ी को लेके उनका विवाद था। उसी बात को आकस्मिक उनमें कहासुनी हुई और उसमें उन्होंने जो दूसरा व्यक्ति है दानिश, उसकी हत्या कर दी। इसमें एक अभियुक्त इमरान को गिरफ्तार किया गया है। इससे जो घटना में प्रयुक्त चाकू है उसको भी बरामद किया है। बाकी अन्य जो अभियुक्त है जो इसके साथी है उनको पकड़ने के लिए प्रयास चल रहा है।